ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजपुर के द्वारा आज स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती नगर पंचायत राजपुर के वार्ड क्रमांक 10 में ब्लॉक उपाध्यक्ष विकास बंसल के आवास में आयोजित की गई। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संरक्षक श्री नारद तिवारी ने राजीव जी की जीवनी पर संबोधित करते हुए कहा कि राजीव जी ईमानदारी, कर्मठ और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने भारत की तस्वीर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिससे विकास के सपने को लेकर पंडित नेहरू चले थे, उसे आगे बढ़ाया और भारत में आज जिस संचार क्रांति को हम देख रहे हैं, जिसकी पहुंच जन जन तक है, उसके जनक राजीव जी ही थे। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन कर सत्ता के विकेंद्रीकरण के अपने लक्ष्य को मुकाम तक पहुंचाया, जिसके बूते आज पंचायतें सशक्त हो गई हैं। ग्राम स्तर पर लोग विकास के फैसले ले रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि गांव में जो आज 15 पैसे पहुंच रहे हैं, उनमें बदलाव होना चाहिए। उस बदलाव को उन्होंने करके भी दिखाया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिला प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी ने उस दौर में मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। राजीव जी स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने कंप्यूटर क्रांति में भारत की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक कंप्यूटर क्रांति और संचार क्रांति के बदौलत भारत ने दुनिया में अपना नाम कमाया।